नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर और आज सबसे खास बात है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा है। आखिर क्यों है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह जो हैं आज बिहार आ रहे हैं और बिहार में लखीसराय में जो है कार्यक्रम है जहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इसलिए तमाम नेता उनके स्वागत में लखीसराय पहुँचे हुए हैं। बता दें कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह का सियासी प्लान यह है कि टारगेट पर नीतीश कुमार और ललन सिंह हैं, राजद से भी ज़्यादा जो है जदयू को डैमेज देना चाहते हैं। और बिहार में जिस तरह से 40 लोकसभा सीट पर अमित शाह की नज़र है, तो 40वीं सीट पर जीतने का दावा जो है बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि जदयू को लेकर के बीजेपी का यह प्लान है कि जहाँ जहाँ जदयू चुनाव लड़ती है वहाँ वहाँ बीजेपी नुकसान जो है नीतीश कुमार को पहुँचाएगी। बता दें कि यही नहीं, आज जिस तरह से अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। जैसे कि 1:20 पर जो है अमित शाह पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहीं इसके बाद जो है अशोक धाम जाकर पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद 3 बजे से जो है लखीसराय पहुंचेंगे जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद पुनः 4 बजे जो है तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जाहिर सी बात है कि संगठन का विस्तार होना है, उस पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह जो है पूरे प्लानिंग के साथ जो है नेताओं को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में जो है इसका जो है बखूबी परिणाम निकले। बता दें कि जिस तरह से सम्राट चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार में, तो लगातार बैठक भी कर रहे हैं और संगठन का विस्तार होना है, लेकिन मूल संगठन का विस्तार अभी होना जो है बाकी है। सवाल यह है कि आखिर संगठन का विस्तार कब होगा। यही नहीं, जब अमित शाह बिहार आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि संगठन का विस्तार अब जल्द ही होने वाला है। यही नहीं, बता दें कि संगठन के काम में सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं अमित शाह और बिहार में कार्यक्रम करने वाले हैं। उसके बाद किसे प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिलेगी और कौन प्रदेश कार्यकारिणी में रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा, इस पर जो है भी फिलहाल बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज किया जा रहा है और आज वो उस पर जो कहीं ना कहीं हो वह मुहर लगेगी। कैसे लोग बनाया जाए इस पर जो है लोगों का यह चर्चा जो है वह चल रहा है। 2024 के चुनाव है और किसी भी कीमत पर जो है बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर जो है सत्ता में देखना चाहती है, तो दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा भी अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है ताकि कार्यकारिणी से लेकर मंत्री, महामंत्री, प्रवक्ता या जितने प्रकोष्ठ हैं सारे जगहों पर जो है उन्हें पद मिले। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए इस ताकतवर नेता जिसके कार्यकर्ताओं तक पहुँच हो, पकड़ हो, नेताओं को जो है जगह दिया जाए और प्रवक्ता में वैसे प्रवक्ताओं को जगह दिया जाए जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जो है सही तरीके से पटल पर रखे और बाकी जो विरोधियों का जो सर उठाना होता है बिहार में उसको भी सही ढंग से लोगों तक पहुंचाए, यानी कि पूरी तरह से मंथन चल रहा है। और बता दें कि आज जिस प्रकार से अमित शाह बिहार आ रहे हैं, राजधानी पटना पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में और पटना में पहुंचने के बाद पुनः अशोक धाम पूजा पाठ करेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेकर पुनः जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बैठक में तमाम तरह की चर्चाएं होंगी और मूलतः जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है और इस मंथन में अमित शाह पूरे राजनीति के चाणक्य हैं। एक एक चीज़ों को बारीकी से अमित शाह जो है कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को गौर करते हुए जो है तमाम चीज़ों पर जो है डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन लेने के बाद में संगठन का विस्तार करेंगे और वैसे लोगों को जगह देंगे जो मूलतः जो है केंद्र सरकार के कार्यों को कैसे पटल पर रखना है, कैसे पकड़ हो अन्य आम जनता में नेताओं को किस प्रकार से पकड़ है, तो तमाम चीज़ों पर आज अमित शाह की नज़र होगी और बैठक में क्या कुछ बातें होती है वह भी आपको हम जरूर पहुँचाएंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।